हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समीक्षा अधिकारी के हिंदी वाले पेपर के बारे में, जो कि कल हुआ था 20 सितंबर 2020 को। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भौतिक का विलोम शब्द। तो भौतिक का विलोम शब्द होता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, तो ये सही हो जाएगा आपका पहला वाला। दूसरा क्वेश्चन था प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। तो इसमें बहुत लोगों ने नवीन भी लगा रखा है, लेकिन इसका सही आंसर होगा प्रतीचि। थर्ड क्वेश्चन था समष्टि का विलोम शब्द। तो समष्टि का विलोम शब्द होता है व्यष्टि। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो इसमें कौन सा गलत है? तो यहाँ अग्रह का विग्रह ये गलत है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। तो सही युग्म है यहाँ पे आदृत का निराद्रित, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें आपका यही हो जाएगा, 6 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ये हो जाएगा पौराणिक, क्योंकि यहाँ अड़िक पे अड़ पे छोटा वाला ई होता है, तो पौराणिक यहाँ अशुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध है शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? तो यही हो जाएगा, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये वाला सही हो जाए। उसके बाद 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है। उसमें ऑप्शंस हैं, इनके इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, भूल हो जाती है इसके बावजूद। तो इसमें सबसे सही जो है वो है डी वाला, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूले हो जाती हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य है वो यही है, देश की वर्तमान, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। यहाँ वर्तमान और मौजूदा दोनों शब्द एक साथ आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो ये है अनुश्रुति। जिसके पास कुछ न हो, ये हो जाएगा अकिंचन। ठीक है, उसी तरीके से 13वां क्वेश्चन है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये स्वेदस हो जाएगा। अपरिचित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसमें कुछ लोगों ने जिसका परिणाम न निकलता हुआ किया है, लेकिन इसका सही आंसर होगा जिसका विवाह न हुआ हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? तो इसका सही हो जाएगा यही, जिसे दूर करना कठिन हो। निम्नलिखित में से तमसम शब्द है, तो वह है आपका जीर्ण। नेक्स्ट है अघन का तमसम रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा अग्रहायण, तो 17 का ए हो जाएगा। 18 में निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? तो यहाँ 14 ही तद्भव शब्द है। 19 क्वेश्चन में अभ्यंतर का तद्भव शब्द है भीतर, ये करेक्ट हो जाएगा।
करपट का कपड़ा, ये सही है, वो बहुत खाता है। इस वाक्यांश में बहुत शब्द किस प्रकार का विश्लेषण है, विशेषण है, तो ये एक तरह से बहुत से मतलब अनिश्चित का होता है, तो इसमें हम परिणाम परिमाण नहीं बता सकते, तो ये एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। तो 21 का डी सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया हो, तो यहाँ पे यही सही है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, तो यहाँ नटखट जो है वो गुणवाचक विशेषण का काम कर रहा है, तो 22वां का ए हो जाएगा। तेईसवां है सतीश चंचल बालक है, तो यहाँ पे चंचल शब्द एक गुणवाचक विश्लेषण है, तो 23 का बी सही हो जाएगा। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, तो मानसिक शब्द मानस से बना है, तो इसका भी बी सही होगा। उसी तरीके से चारित्रिक शब्द विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे चरित्र हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द तो ये हो जाएगा समालोचन। बिजली का पर्यायवाची शब्द सौदामिनी। और 28 है कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें हो जाएगा भारती, क्योंकि बाकी सब लक्ष्मी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे ये वासन ही सही है, ये कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब कपड़ा का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कौन सा मेघ का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे दामोदर है जो मेघ का पर्यायवाची नहीं है, बाकी पयोधर, जलधर और वारिधर सारे मेघ के पर्यायवाची हैं। आविर्भूत का सही विलोम शब्द है तिरोभूत, तो 31 का सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्षणिक का सही विलोम शब्द शाश्वत हो जाएगा, क्षणिक होता है क्षण भर में, शाश्वत हो जाता है काफ़ी समय के लिए, तो शाश्वत इसका सही हो जाएगा। अग्रज का विलोम अनुज सही हो जाएगा। निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है अनुचर और परिचर, बाकी सब सही हैं। मौन का मुखर होता है, शानदार का सर्वनाक हो जाएगा और बर्बर का शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है विलोम की दृष्टि से एक युग्म गलत है और वह है आच्छादित और परिच्छिन्न, ये गलत हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यहाँ पे चिन्ह शुद्ध शब्द है, ठीक है। और 37 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी शब्द डी है। तीसवां क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो यहाँ पे उत्कर्षता जैसा कोई शब्द नहीं होता, तो यही अशुद्ध होगा। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, तो सबसे शुद्ध वाक्य यहाँ यही है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ठीक है। तो ये 39 का ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, तो यहाँ अशुद्ध के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे ये वाला अशुद्ध हो जाएगा, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, यहाँ निर्दयी होना चाहिए, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। 41 है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, तो वो हो जाएगा अजात शत्रु। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अन्वेषक, जिसकी ग्रीवा सुग्रीव सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके वो अतिंद्रिय हो जाएगा, तो 44 का बी सही है। फोर्टी
45 में वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री बोलेंगे, तो ये भी गलत है। तो यहाँ सबसे सही जो है वो यही है, लौट कर आया हुआ यानी प्रत्यागत। 46 में डी सही हो जाएगा, तत्सम शब्द यहाँ ओष्ठ है, बाकी सब तद्भव शब्द है। एक और है यहाँ, परिवा का तत्सम रूप 47, तो इसका प्रतिपदा हो जाएगा ऑप्शन सी, तो 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम आते हैं 48 पर। 48 नंबर में पर्यक और पलंग ये तद्भव तत्सम का संगत रूप है, ये संगत युग्म है, तो ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो यहाँ आंसू तद्भव शब्द है, बाकी सारे तत्सम के शब्द हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन 50 में कपित्थ का शब्द कैथा है, कैथा एक फल होता है, उसी से रिलेटेड है ये, तो इसका कैथा से हो जाएगा। तो 50वां का बी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है, तो यहाँ पे उचित हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना, तो वो हो जाएगा यहाँ पे सुंदर। कोई कोई कंफ्यूजन कर रहा है, यहाँ पे श्रीमान भी कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन सुंदर होगा। बाकी जब ऑफिशियल आएगी तो एक दो क्वेश्चन इधर उधर होंगे, तो फिर कन्फर्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो यही होगा। यहाँ उत्तमावस्था गुणवाचक की बात हो रही है, तो ये यहाँ होशियार जो शब्द है वहाँ उत्तम अवस्था के बारे में बात हो रही है, तो 53 का ए सही हो जाएगा। अगला है, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है, तो वो सूर्य से है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, वो अग्नेय हो जाएगा ऑप्शन बी, 55 का बी हो जाएगा। छप्पन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द तो शून्य है। सोना का पर्यायवाची कनक, कनक कनक पढ़े हैं। और 58 का हो जाएगा पक्षी, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो इसमें पखेरु शब्द का पर्यायवाची जो है वो पक्षी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो नहीं यहाँ सलील हो जाएगा, क्योंकि सलील पानी का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे यही करेक्ट हो जाएगा 59 का डी। और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें अंबु ये भी पानी का पर्यायवाची है, तो ये भी माता का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए 60 का बी सही हो जाएगा। तो ये रहा हिंदी वाला सेक्शन, हम डिस्कस करेंगे इसके बाद फर्स्ट वाले पार्ट को जो जनरल स्टडी वाला है इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।